भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अपना व्हाट्सएप चेक कर लें, आपके वीजे आ गए हैं कल तक इंशाल्लाह। चलो शॉपिंग करें। लास्ट 5 महीनों से हम लोग किसी भी जगह घूमने फिरने नहीं गए भाई, अपनी एनिवर्सरी बाहर जाकर किसी आउट ऑफ कंट्री जाकर सेलिब्रेट करें। हमने वीजा अप्लाई किया, हमारा वीजा आया ही नहीं। 18 तारीख भी गुजर गई लेकिन फिर भी वीजा नहीं आया। हम लोग निकल आए घर से बाहर ताकि थोड़ी बहुत ट्रेवलिंग के लिए शॉपिंग कर लें। तो यार हमारे घर की जो माइये है ना वो है पुराने जमाने की, तो उनको ये नए जमाने की चीजें जो आ गई है ना, नई नई इजाद हुई है, नई नई मशीनें, नई नई मोटर, नए नए उतार, वो नहीं चलाने आते। तो फिर अभी इसी तरह मैं ना मशीन की समझाने के लिए जा रहा हूँ। ये है वॉशिंग मशीन जो कि चल नहीं रही, और पहले देखता हूँ कि इसका स्विच पीछे से लगा हुआ है कि नहीं लगा। स्विच तो चालू है, ये चल क्यों नहीं रही? चल गई है। अब बाकी का मसला है, ये नहीं समझ आ रही। इधर से ऑन कर दिया, स्टार्ट दोबारा से करता हूँ, मेरे से भी गलत हो गई। मैंने पावर ऑफ किया है, अब पावर ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गई है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट के बटन को दबा देंगे, ठीक है। अब ये देखें, टाइम भी दे दिया उसने और वो लाइट भी बलना शुरू हो गई है। लाइट क्यों जल रही है, ये क्या? ये क्या करने लग गई है मशीन? खराब तो नहीं होगी? नहीं, हाँ? ये लॉक का मसला है इसका। लॉक का मसला? लॉक नहीं लग रहा मशीन का। लग गया? ऑफ हो गई है ना ये तो। ये मैंने ऑफ की है। एक मिनट, ऑफ ही करें इसे। लॉक तो लग गया अभी, लॉक ये देखिए लग चुका है। ऑन करे, डेली वॉश पे लेके आना। और कौन सा डेली वॉश? अच्छा ये डेली वॉश, हाँ। मैं लेकर आता हूँ। ये डेली वॉश पर आ गई है, ठीक है। अभी इसको हाँ अभी स्टार्ट कर, अभी हो गई है। चलो शुक्र काम बन गया जी। इधर की पंगेबाजी दूसरी, हाँ। ये भी नहीं चल रहा, देख लो। देखता हूँ मैं, ये वाला नल खोले, ये देखें चल गया, खुला रहने दे नल। चल रहा है जी। चल तो रहा है, ये पानी भी गर्म आ रहा होगा, चेक करें आप। आया ना, आ गया। ये मेरे आने की बरकत है, आप चली जाती है जी, मैं आ जाए। बाहर खड़े हो, मैं अंदर से चेक करती हूँ, अगर अंदर से चल गया फिर तुम्हारी बरकत काम कर गई, अगर अंदर से ना चला फिर तुम्हारी बरकत आया। आया अभी, अभी आएगा गरम, आ गया। चलो देखा ना, मेरी बरकत काम कर गई है। और अभी एक और टेक्निकल मसला बन गया, तीसरा। अरे बाबा उठा ले, वो देखने जा रहा हूँ। तीसरा घर में टेक्निकल मसला बन गया यूपीएस का। अभी लाइट चली गई है तो ये भी बंद हो गया, और इस तरह की आवाज करने लग गई। अभी इसको बंद करके ऑन कर, ओहो बंद भी नहीं हो रहा। हो गया बंद, फिर ऑन हो गया। अभी शायद इसकी आवाज ठीक हो गई है। ठीक हो गया। अभी जाकर देखता हूँ कि नीचे लाइट आई भी है कि नहीं। ये क्या, अभी तक लाइट नहीं आई, मैं तो ऊपर चेक करके आया हूँ। यूपीएस आ गई है, तुम लोग अंधेरे में बैठे हो। यार आज ना मैं नाश्ता सिर्फ सादी रोटी का कर रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे ट्रेनर ने कहा है कि भाई पराठे शराठे खाने छोड़ दो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाए। मैंने कहा ठीक है बॉजी, पराठे आज से छोड़ दिए, तो आज से पराठे खत्म। अब बस मैं देसी घी लगाकर रोटी खा रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सादी रोटी ही नहीं खाई जाती, रात में कुछ देसी घी हो जाए ना तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अपना व्हाट्सएप चेक कर लें, आपके वीजे आ गए हैं कल तक इंशाल्लाह। वीजे आ गए हैं, कल पासपोर्ट मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। चलिए बेस्ट है, बेस्ट। थैंक यू, वीजे आपको सेंड कर दिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो शॉपिंग करें। गाना गाओ, लग गया वीजा, लग गया वीजा। मुझे नहीं आता एक तो पिछले 2 महीनों से कांति ने मेरी जान छोड़ दी। खैर मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। खुश तो वैसे हर रोज ही होते हैं यार, चल झूठा, एक्साइटेड भी हर रोज ही होते हैं, लेकिन आज की खुशी ना थोड़ी सी अलग है भाई जान। खुशी अलग इसलिए है कि हम लोगों ने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर डिसाइड किया था कि हम लोग अपनी एनिवर्सरी बाहर जाकर किसी आउट ऑफ कंट्री जाकर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हमने वीजा अप्लाई किया, हमारा वीजा आया ही नहीं। 18 तारीख भी गुजर गई लेकिन फिर भी वीजा नहीं आया। तो फाइनली आज 8 दिनों के बाद हमारा वीजा आया है। दरअसल मैंने और कवल ने डिसाइड किया था कि हम लोग अपनी एनिवर्सरी के जो तहार
तहाइफ देने हैं ना, वो तहाइफ नहीं देंगे, उसकी जगह हम लोग बाहर घूम फिर आएंगे। बिकॉज लास्ट 5 महीनों से हम लोग किसी भी जगह घूमने फिरने नहीं गए भाई। घूमने फिरने इसलिए नहीं गए थे क्योंकि पहले गवल उम्मीद से थी, फिर उसके बाद एजल होगी, फिर हम लोग इंतजार करते रहे कि एजल थोड़ी सी होश संभाले फिर जाएगी घूमने फिरने के लिए। तो आज वो मुबारक दिन है कि हमारा वीजा लगा है, लेकिन सिर्फ वीजा ही लगा है, पासपोर्ट कल आएगा। तो हमारा भी प्लान है कि हम लोग 3-4 दिनों तक ट्रैवल कर जाएंगे। तो चूंकि 3-4 दिनों तक ट्रैवल करना है, तो आज अभी इसी वक्त हम लोग निकल आए घर से बाहर, ताकि थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग के लिए शॉपिंग कर ले, ठीक है? यस, हम यहाँ पे भी शॉपिंग करेंगे, वहाँ पे जाके भी शॉपिंग करेंगे, वहाँ से आके भी शॉपिंग करेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, फिर शॉपिंग बस शॉपिंग 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 ही रहेगी है, घूमना फिरना तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं। और लेडीज फर्स्ट की रवायत को पूरा करते हुए हम लोग आ चुके हैं पहले कमल की शॉपिंग के लिए। अभी कमल चूज कर रही है कि उसने क्या क्या खरीदना है आउटलेट से। बाकी अल्लाह खैर ही करे कि टाइम से हम लोग यहाँ से फ्री हो जाएं, और मेरी खरीदारी के लिए टाइम हमेशा कम बचता है। फाइनली जी 1.5 घंटे के बाद बेगम की शॉपिंग खत्म हो गई है, और अभी वो सीढ़ियां उतरने से कतरा रही है क्योंकि उसका दिल नहीं कर रहा कि आउटलेट से मैं बाहर चली जाऊं। अभी बैग सारे मैंने पकड़ने हैं और बेगम मेरी ने खाली हाथ पीछे पीछे चलना है बस। अभी जी दूसरी जगह पर आ गए हैं शॉपिंग के लिए। बेगम अपने लिए सैंडल वगैरह पसंद करती फिर रही है, और हमने अभी तक कपड़ों की शुरुआत भी नहीं की। ये ठीक है, बेस्ट है जी। ये मिम साहब बोले तो और कितना टाइम मांगता है? बहुत ज्यादा, मिर्सा ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं, बल्कि 4:30। मैं तो बैग पकड़ के ही घूम रहा हूँ, अभी तक सिर्फ एक चीज खरीदी है मैंने। अभी फाइनली कवल फ्री हो चुकी है और मैं अपनी शॉपिंग के लिए आ गया हूँ। अभी देखता हूँ कि क्या पसंद आता है, जो पसंद आएगा वो खरीद लेंगे। पूरी दुकान ना खरीद लूँ? खरीद लूँ पूरी दुकान? नहीं नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है जी, फाइनली फ्री हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बैग्स माशाल्लाह इतने ज्यादा मेरी बेगम ने इकट्ठे कर लिए हैं कि अभी उठाने और गाड़ी में रखने मुश्किल हो गए। चलो जी, ये रख लिए गाड़ी में बैग, चले अभी सीधा जाएंगे घर क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। अभी जी फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मैं अपनी बेटी का दीदार करने लगा हूँ जो कि सो रही है। अभी मैं कह रहा हूँ सो रही है तो सोते ही रहने, तो ना ही छेड़ू तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक किस ले लेता हूँ बस। चल अभी आती है। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भूख बहुत ज्यादा लग रही है, और आज ब्लैक कॉफी पीने का मेरा दूसरा दिन है लगातार। एक कल मैंने पी थी ब्लैक कॉफी, वो भी अच्छे से पी ली थी, सारी खत्म कर ली थी, और आज भी इंशाल्लाह आपका भाई कामयाबी रहेगा। अभी जी कॉफी शॉफी पीकर मैं आ गया हूँ जिम। One hour later. अभी जी अपन वापस आ गए हैं जिम वगैरह लगाकर। चेक करें कि हुडी पहन कर आपका भाई कितना हैंडसम लग रहा है ना। अभी बस एक सेकंड दे, अभी चेक करें कि कितना बदसूरत लग रहा है। और ये काका बाबा जिम से भी होकर आगे अभी तक जाग ही रहे हैं, सुना नहीं है? इतना टाइम हो गया, इतनी देर तक जाग रही हो आगे से गुस्सा कर रही हो? ये दिल कहती नहीं, मैंने इस टाइम नहीं सोना, मैंने सोना है पूरे सुबह के 5 बजे, ठीक है? तभी मैंने सोना है और तभी आपको भी सोने देना है।